आज मैं चल रही हूँ, जो घर में दूध से मलाई निकाली जाती है उसके घी निकालने के लिए चल रही हूँ। और ये हमारी फ्रेश घर की मलाई जो है निकली हुई, और इसको मैं इसी प्रकार से आसान की तरीके से आसानी से घी निकाल सकते हैं। और ये इसी प्रकार से हमें चलाते रहना है लो फ्लेम पे, ताकि घी हमारा नहीं जले। ये हमारा खूब अच्छा पकने लगा है, और मुझको ऐसे चलाते रहना है ताकि हमारा बिल्कुल घी नहीं जले और आसानी से घी आराम से निकल जाए। बढ़िया फ्रेश घी, घर का बना हुआ देसी घी। ये हमारा सर मेल्ट हो चुकी है मलाई, और इसको मुझे रखना है लो फ्लेम ही रखना है और चलाते रहना है ये अभी थोड़ी देर, जब तक कसके बढ़िया उबाल नहीं आ जाता है बढ़िया दूध ये मलाई में। और देखना अच्छा अच्छा रिलीज होने लगा है, लग रहा है घी। और इसे प्रकार से मुझे चलाते रहना है, देखना बहुत अच्छे ये बुलबुले थोड़े थोड़े आ रहे हैं। और ये इसी प्रकार से समझ लो इसके पानी जो है मलाई में वो सूख रहा है, और हमारा धीरे धीरे घी रिलीज होने लगेगा। इसी पर देखना ये घी रिलीज हो चुका है और अच्छा घी आने लगा है, और मुझको बस हल्के लो फ्लेम पे ही चलाते रहना है इस प्रकार से। और घी हमारा थोड़ा सा और चलाऊंगी। ये घी हमारा देखना कितना ऊपर आ गया, मलाई सारी नीचे बैठ गई और घी ऊपर आ चुका है। तो मुझको और थोड़ा चलाना है इसको, ताकि और जितना है सारा कुछ निकल जाए, पूरा अच्छी तरीके से घी निकल जाए हमारा, उसको चलाते रहना है। घी हमारा निकल चुका है इसमें, और पूरा मैंने गैस को लो बंद कर दिया है यानी। और ये ठंडा होने के बाद मैं घी छान के दिखाती हूँ आपको। ये हमारा घी ठंडा हो चुका है, मैं चल रही हूँ छानने के लिए इसको। ये छन्नी से छान लेती हूँ, जो भी घी निकला असली घी है, बिल्कुल ही परफेक्ट, बिल्कुल ही ताज़ा असली। ये जो मलाई जो थी मलाई इसमें कढ़ाई में जो रह गई थी, वो मैं छन्नी में रख करके इस प्रकार से निचोड़ लूँगी सारा। एक जो बिल्कुल मेरे को निकाल लेना है घी, ज़रा ज़रा सा ये बचेगा, जो मावा जैसा बच गया है इसको चीनी डाल के आप बच्चों को ऐसे दे सकती हैं, या इसको कुछ भी मावे का बना सकती हैं। तो ये हमारा घी निकल आया है, और ये हमारा मावा निकल आया है, और इस प्रकार से बहुत ही परफेक्ट घी है, और ये मावा है इतना, और ये घी हो गया। खाएं पिए इंजॉय करें, और इसी प्रकार से ही बनाएं, ये असली घी हमारे घर का ही बना हुआ।